प्राइम आइडियल। यूक्लिड लेमा आपने अगर पढ़ा है तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन अगर उसमें आपने देखा हो तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होता है, वेन एवर पी डिवाइड ए बी सो पी शुड डिवाइड ए और पी शुड डिवाइड बी वेन एवर, तो इस पी को हम कहते हैं प्राइम एलिमेंट या प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम में अगर प्राइम नंबर, अगर रिंग में आप देखोगे इसको प्राइम एलिमेंट इस तरीके से बोलते हैं हम। अब सेम प्राइम आइडियल भी ऐसा ही है, इसी टाइप से देखना डेफिनेशन इसकी। ए प्रॉपर आइडियल पी ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी ए प्राइम आइडियल ऑफ आर, ध्यान रहे यहां पे भी प्रॉपर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू पी। ठीक है, यहां पे देखो ये तो नंबर था तो डिवाइड का सिंबल हमने किया है। अब हम यहां पे पी को, पी इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ आर, आइडियल है पहले तो आइडियल है, फिर प्रॉपर आइडियल कब कहते हैं हम, ये पहले तो सबसेट भी है। तो व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू पी इट इंप्लाई आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी, पी हमारा सेट है। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये पी कैपिटल लिखा है, इसका सबसेट हमने लिया है यहाँ पे, आइडियल भी सबसेट ही होता है इसका। तो जब भी ऐसा हो रहा होगा तो हम पी को कहेंगे प्राइम आइडियल। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगेन, अब यहाँ पे आपको बताना है ये 2z जो होगा प्राइम आइडियल होगा। देखो इसमें कैसे एलिमेंट है, 2 × 2 के मल्टीपल में, जो भी एलिमेंट है वो भी 2 के मल्टीपल में, जो भी एलिमेंट आप 2z का लोगे एटलीस्ट 2 तो 2z में बिलोंग करेगा ही। देखो कैसे, फॉर एनी x बिलोंग्स टू 2z x कैन बी रिटन एज 2k, k बिलोंग्स टू सम z इंटीजर z, सो इट इम्प्लाई यर ये जो होगा 2 × k वो ऑलवेज 2z में है क्योंकि x 2z का लिया है हमने, भले ही k जो है, ये वाला k जो है 2z में आए ना आए, ये 2 तो ऑलवेज 2z में आएगा ही। ठीक है, और है यहाँ पे देखो, या तो a इसमें बिलोंग करता है या b बिलोंग करता है, सो वेन एवर वी टेक x इन द 2z वी हैव 2 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू 2z विच इज प्रोडक्ट ऑफ 2 × k, we can say here 2z is prime ideal of z, and यहां पे मैं denote करूंगा। ठीक है, denotation 2z is prime ideal of z। अब मैं देखो ideal का symbol बनाऊंगा, यहां p लिखूंगा, it means the प्राइम आइडियल। क्लियर, जब भी मैं ये लिखूं समझ लेना प्राइम आइडियल, ये प्राइम आइडियल पी फॉर प्राइम, तो मैंने ये सिंबल यूज किए प्राइम आइडियल, और एक एम सिंबल यूज किया है मैंने फॉर मैक्सिमल आइडियल। एग्जाम्पल सेकेंड, क्या 4z जो होगा z का प्राइम आइडियल होगा, 4z इज आइडियल ऑफ z, तो क्वेश्चन है आपके लिए दिस इज नॉट प्राइम आइडियल। ठीक है, वाई सो, बिकॉज 4 बिलोंग्स टू 4z बट 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2 बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 4z। ठीक है, 2 कैन बी रिटन एज 2 × 2, या आप ऐसे लिख लो जैसे ये देखो हमने क्या किया है, यहां पे 4 को लिखा है 2 × 2। क्लियर, 4 तो 4z का है लेकिन ये 2z, सॉरी ये 2 जो है वो 4z का नहीं है, ऑफकोर्स ये वाला 2 भी 4z का नहीं है, सो दिस 2 इज नॉट बिलोंगिंग इन 4z, हेंस दिस इज नॉट अ प्राइम आइडियल। सो आप बोल सकते हो 4z इज नॉट प्राइम आइडियल। नाउ थर्ड है, देखो 4z अगेन 4z
फोर जेड क्या 2z का प्राइम आइडियल होगा? आप 2z लिया है यहाँ पे, 4 बिलोंग्स टू 4z बट दिस इज 2 × 2। ओके, अब ए भी ले लो बट दिस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 4z। हमें तो 4z का एलिमेंट लेना है और फैक्टर जो भी होंगे उस फैक्टर को भी 4z में दिखाना है, बट यहाँ तो ए भी दोनों 2 2 आ रहा है विच इज नॉट बिलोंगिंग इन 4z, सो दिस इज नॉट अ प्राइम आइडियल। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन, 4z क्या मैक्सिमल आइडियल होगा 2z में? 4z और 2z के बीच में कोई भी प्रॉपर आइडियल है ना नहीं है, सिंपल। सो दिस 4z इज मैक्सिमल आइडियल इन 2z। यस, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, Z12। अगेन Z12 में ले रहा हूं प्राइम आइडियल ऑफ द Z12। तो आप यहां देखो, वापस जाते हैं हम, ये हमने किया हुआ है ये पूरा, ठीक है, इम्प्रॉपर हटा दिया, ट्रिवियल 2 × 6 है ना, 0 = 2 × 6 बट 2 इज नॉट हियर एंड ऑफ कोर्स 6 इज नॉट हियर, खत्म ये कहानी। इसमें दोनों ना वाले ले सकते हो आप, दोनों ना होने के लिए 4 × 3 ले सकते हो, सिमिलरली इसमें भी ले सकते हो, लेकिन 3 और 2 इसमें हमें मिलेगा ही नहीं ऐसे एलिमेंट कि प्रोडक्ट करने पे इसमें आ रहा हो लेकिन दोनों उसमें ना आ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट एक तो इसमें आएगा ही आएगा, आप करके देख लेना, क्योंकि जो 12 है, जब 0 की बात करोगे 12 है वो 3 के मल्टीपल में होगा, तो 3 यहाँ पे इजीली आ रहा है तो आप बता दोगे, आप एनालिसिस करने के बाद 2 एंड 3 आर ओनली प्राइम आइडियल ऑफ Z12। सो एक रिजल्ट, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Zn इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन। जेड एन में देखो रिजल्ट 1 जो था ये, इसमें इसमें भी सेम ही है और जेड एन में ये भी सेम रिजल्ट है, यानी प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल जो जेड एन में होते वो क्या होते, नंबर आर सेम, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स एंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल सेम। सो नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल है, किया है आप इसके लिए जरूर करना, फाइंड द प्राइम आइडियल इन Z36, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15 करके आपके बुक में है। X² + 1 इज द, हमें शो करना है मैक्सिमल आइडियल इन Rx। यूनिटी किसी आइडियल में एग्जिस्ट करता है तो वो उस रिंग के इक्वल होता है, ठीक है, उसका यूज करना होगा यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल पहले दे दिया, उसका यूज इसमें आएगा, वो आपके एक्सरसाइज में है, फिर ये क्वेश्चन हम बाद में भी कर सकते हैं और प्लस ये क्वेश्चन हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास थियरम 14.4 है, ठीक है, जो एम थियरम के नाम से है, उस थियरम का यूज करके भी हम इसमें शो कर सकते हैं। हमें इसमें क्या दिखाना होता है, दो तरीके, या तो मैन्युअली कर लो जब बाय द डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं कोई भी एक जनरल आइडियल ले लूंगा और उस आइडियल को दिखा दूंगा, या तो भाई वो ये है ना इसके इक्वल है, या मैं उसमें ये दिखा दूंगा कि वो जो है जो भी इन दोनों के बीच में आइडियल होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा इस वाले रिंग के, तो बोल देंगे दिस इज द मैक्सिमल आइडियल। अगर नहीं हमें थियरम का यूज करना है तो थियरम का वेट करना पड़ेगा आपको, और उस थ्योरम में आर अपॉन दिस आइडियल है, तो अगर ये आइडियल है तो आप ये लिख सकते हो X² + 1, ठीक है, फैक्टर रिंग बना सकते हैं, और बाय दिस थ्योरम अगर ये फील्ड हो गया, अगर ये फील्ड हो गया तो ये मैक्सिमल आइडियल हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है तो ये मैक्सिमल हो जाता है इसमें। तो अब फील्ड शो करना है, फील्ड शो करना तो बहुत इजी है, तो
एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेंगे, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी हम बता देंगे उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो काफ़ी आसान है ये, दोनों तरीके से आप कर सकते हो इसका, तो आप ट्राई करेंगे इसको। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू करना है तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 यूज करना पड़ेगा इसमें पहले, तो एंड प्लस डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। तो आप क्या करोगे, एक ये आइडियल ले लिया, क्लियर है, एक ये आइडियल ले लिया जो कि कंटेंड है, प्रॉपरली कंटेंड है ए में, और ये कंटेंड है चलो आर एक्स में। तो एक जनरल आपने ए ले लिया, तो ए को किसी भी तरीके से आप दिखा दो ए इज इक्वल टू आर एक्स, ठीक है। तो जब ए इज इक्वल टू आर एक्स आपको शो करना है, जस्ट शो, सो वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, वो कि क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखना, जैसे वन ए में आ जाएगा, ठीक है, जैसे वन ए में आ जाएगा तो आप बोल सकते हो इट विल बी इक्वल टू आर एक्स। सो जो भी हमने बीच में लिया था इन दोनों के बीच में वो आर ही है, सो देयरफॉर दिस इज द मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। 15, देखो 15 और 17 एक दूसरे से थोड़ा सा लिंक है, आप क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो मिलेगा वहां पे। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा है, अगर किसी आइडियल में आइडेंटिटी यानी यूनिटी आ जाती है तो आई जो होता है रिंग के इक्वल हो जाता है। बहुत सिंपल है, अगर इसको प्रूफ भी करोगे आप, वेरी सिंपल, क्योंकि आप जो आइडियल होने की जो सेकंड कंडीशन होती है, फर्स्ट तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई होता है, सेकंड आर इंटू ए बिलोंग्स टू आई होता है। तो जैसे ही आर इंटू वन बिलोंग्स टू आई होगा, सो दिस विल बी आर इज द सबसेट ऑफ आई आ जाएगा, और वी नो ऑलरेडी आई इज सबसेट ऑफ आर, सो एक दूसरे के सबसेट है, तो आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा वेन एवर वन बिलोंग्स टू आई। क्वेश्चन नंबर है 15, ए आइडियल है रिंग का, यूनिटी बिलोंग्स टू ए, वन जो है ए में आ रहा है, सो वी हैव टू सो हियर दिस ए इज इक्वल टू आर। सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो ये, जब भी इक्वल दिखाना होता है ए को हम सबसेट दिखा देते हैं आर का, एंड आर को सबसेट दिखा देते हैं ए का। तो ए तो देखो इसका आइडियल है, तो ये ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ आर है, हमें ये दिखाना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ऑफकोर्स वन गिवेन है ए, देखो वन लाइन का प्रूफ है, सो वन इंटू एक्स, या चलो लेफ्ट राइट दोनों आइडियल है, तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल है, सो एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, तो वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू आर देन हियर एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहां से आर इज द सबसेट ऑफ ए, एंड ऑब्वियसली सिंस ए इज द आइडियल ऑफ आर, सो दैट ए इज सबसेट ऑफ आर, देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसी का यूज करके हमें एक्चुअली एक जगह पे यूज होगा ये, इसका यूज करके हमें इसका भी शो करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 ने आपने क्या किया होगा, कोई एक नॉन जीरो ठीक है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आपने लिया ए में, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लिया ए में, तो अगर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ए में है तो आर क्या है, आर ऑफ एक्स तो क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज कोफिशियंट आर टेकन फ्रॉम द रियल फील्ड। तो यहां पे हमारा वन अपॉन सी होगा, जो जी एक्स होगा वो फॉर एनी, चलो ये अब सी नॉन जीरो है तो वी कैन डिफाइन वन अपॉन सी इन द आर एक्स, क्लियर है, इन द आर एक्स, ये नॉन जीरो ही होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आर एक्स में होगा, इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर दोगे आप, ठीक है, एफ इंटू जी कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन आएगा, विच बिलोंग्स टू ए। जैसे ये ए में आया, सो ए इज इक्वल टू
आर एक्स, ए जो है प्रॉपरली कंटेन कर रहा है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन को। और यहाँ पे हमने, और ए क्या है, आर का आइडियल है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, इसमें हमने ये दिखा दिया ए इज इक्वल टू आर एक्स। डियर फोर जो एम था हमारा, एम इज द मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। तो मेन टास्क जो आपका यहाँ पे, मेन जो टास्क आपको करना है, ये नॉन जीरो जो एलिमेंट होता है ये तो कंसीडर किया है हमने, टू सो नॉन जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू ए। नॉन जीरो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है ए में बिलोंग करेगा, बस हमें ये शो करना है अब यहाँ पे। तो ये तो दो लाइन का है, लेकिन ये आपको डेफिनेटली थोड़ा माथा पच्ची करके किसी भी तरीके से हमें नॉन जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू ए आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो, ओनली ये लाइन लिख के प्रूफ आप सोचते हो, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट प्रूफ, ये आपको दिखाना ही है।